हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कभी कंपनी में काम करते हैं या टेलीकॉम अकाउंटेंट है एज ए अकाउंटेंट टेली वगैरह या किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो हमारे को किसी इंश्योरेंस का एक प्रीपेड इंश्योरेंस अलग करना होता है और इंश्योरेंस अलग डाल के डलना होता है। तो किस तरह से, तो क्या होते हैं कुछ अकाउंटेंट कर नहीं पाते, मुश्किल हो जाती है उनके लिए डेट किस तरह से निकाले। अब इंश्योरेंस की डेट तो फिक्स होती नहीं है 31st, मान लो एक इंश्योरेंस की डेट है 11/10/2022 और जो एक्सपायर हो रहा है उसकी डेट हो रही है 10, 1 साल का ही होता है 10/10/2023। अब क्या हुआ, अब इन दोनों का क्या हुआ, ये तो नेक्स्ट ईयर में आ गया, मेरे को 31st तक बुक्स क्लोज होती है। तो क्या करना है हमारे को, यहाँ पे हम लिख देंगे 31st जब आपकी बुक्स क्लोज होती है 2023 में। तो बड़ी इस करंट ईयर की जो डेट है 31 मार्च वाले को ये हम लेंगे, इसके बाद जो ऊपर स्टार्टिंग की डेट है उसको हम माइनस कर देंगे। अब क्या आया, ये 170 डेज आ गया हमारा, कौन से फाइनल ईयर में, ये आ गया हमारे 22-23 में, 22-23 में आ गया। और दूसरा क्या है हमारा, इसमें कैसे निकालेंगे, -365, एक सेकेंड, 360 और पहले लिखेंगे फिर ऊपर ये माइनस, इसको हम डेज कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम 23-24 करेंगे। अब 23-24 कर देंगे हम इसको, अब क्या हो गया कि 175 डेज इतने इयर्स में हमने कंप्लीट किया इस वाले साल में और 194 इस साल में। तो क्या होता है, प्रीपेड जो है इंश्योरेंस 194 का प्रीपेड इंश्योरेंस है। अब मान लेते हैं इसकी 10,000 वैल्यू है, मान लेते हैं 10,000 वैल्यू है। अब 10,000 में क्या है कि ये इतना खर्चा, ये इसका इतना खर्चा, तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 30 पर डे का खर्चा निकाल देंगे। एक दिन का हमारा जो आता है 27 रुपए 40 पैसे आता है, तो 27 रुपए 40 पैसे आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ लिख लेंगे 27 रुपए 40 पैसे, दोनों के लिए सेम है 27 रुपए 40 पैसे। अब हम इसको इंटू कर देंगे, हम इसको जोड़ लेते हैं। अब देखिए ये राउंड फिगर की वजह से आ गया 10,001 रुपये, तो 4,685 रुपये हम लेंगे 22-23 में यूज करेंगे, इसको हम डालेंगे अपने इंश्योरेंस में, खर्चे में डालेंगे इसको, इंश्योरेंस में डालेंगे और इसको डालेंगे प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस। इस तरह से आप अपने टैली में या किसी भी सॉफ्टवेयर में इंश्योरेंस की एंट्री कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।